खिलौने कुछ ऐसी चीज होते हैं जो हर बच्चे के जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरी लाइफ में भी सॉफ्ट टॉयज ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमेशा से। बट मैं हमेशा सोचता था कि यार ये सॉफ्ट टॉय कोई बनाता है या ये जो हम बलू को देखते हैं अलग अलग चैनल्स पे। एंड मुझे लगता है कि यार काश मेरे पास भी ऐसा एनिमल का टॉय होता, या बहुत सारे जो छोटी बच्चियां हैं जिनको लगता है कि उनके पास एक बाबी डॉल हुआ करती थी जो शायद उनकी फ्रेंड बन के हमेशा साथ देती थी और वो उनसे बातें करती थी। तो यहाँ पे कुछ हम आज शायद इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि टीम कॉमर्स एज कोई भी एक नई चीज नहीं लेके आ रही है कि आप लोग को हम खिलौने सेल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसा कि टीम कॉमर्स एज ने हमेशा आप लोग के साथ प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस को निभाया है, तो हम फिर से इस बार केस स्टडीज फ्राइडेज में बहुत ही ज्यादा प्यारी सी कंपनी है, क्यूट सी है और बहुत ही स्वीट सी कंपनी है जो अक्सर बच्चों को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है। ये सिर्फ सॉफ्ट टॉयज में नहीं रही है, ये स्पोर्ट्स कार में भी रही है। और फिर जैसा हम लोग का इस महीने का थीम चल रहा है, दैट इज मार्वलस मार्च का, तो हमने उसमें मार्वल्स के बारे में देखा। एंड आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा नोन कंपनी जो पता नहीं कुछ नियर अबाउट 300 400 ईयर्स अगो की जो कंपनी है ये कहाँ से एस्टैब्लिश हुई थी, ये क्यों आई। तो आज का जो हम लोग का केस स्टडी फ्राइडे है जिसमें हम लोग आज आपके लिए हेमलीस, वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश ब्रांड एंड अ वेरी अप्स एंड डाउन्स वाला ब्रांड, हम लोग इस बार वो ही केस स्टडीज ला रहे हैं जिसमें बहुत ऊंच नीच हुई थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल उनने देखे। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज के जमाने में स्ट्रगल होते थे, इट हैज बीन लाइक एंशियंट टाइम से चीजें चली आ रही थी। तो यही चीज है जो हम लोगों ने इस केस स्टडी में कोशिश करी है कि हम आप लोगों को वो सब कुछ बताएंगे। सो वी आर हियर विद वन ऑफ द रेनाउंड कंपनी दैट इज हेमलीस, और इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1760, मतलब आज से कुछ 200-250 साल पुरानी कंपनी, जब शायद मेरा और आप लोगों का तो मतलब जन्म ही नहीं हुआ था तब से ये कंपनी है। और इस कंपनी में क्या अप्स एंड डाउन्स हुए और ये कहां से ओरिजिनेट हुई, चलिए तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे छोटे भाई बहन के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि वो लोग इन स्टोर्स में जाते हैं और उनको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यार ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये स्टोर कहाँ से आए, टॉय शॉप कहाँ की है। सो हेमली वॉज फाउंडेड बाय विलियम हेमली, जो बहुत ही ज्यादा 1760 के टाइम से बहुत ही क्रिएटिव इंसान हुआ करते थे, और उनको लगा था कि यार छोटे बच्चों को खिलौने बड़े पसंद आते हैं, तो उनने सोचा कि मैं एक बड़ी कंपनी बनाऊंगा जिसका उनने नाम अपने ही सरनेम पे रखा, दैट इज हेमलीस। एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1960, और अब से कुछ 261 ईयर्स ओल्ड ये कंपनी है। हम उसी बात पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बट इसमें केस स्टडी में हम ये चीज आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ था इस कंपनी के साथ कि जो मैंने आप लोग को वीडियो में बताया कि अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो वो है जो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, मतलब 1760 के बाद 1880 एंड देन 1900s का टाइम आ गया, और उसमें इट केप्ट ऑन ग्रोइंग, मतलब इनने बहुत सारे स्टोर्स खोले ब्रिटेन में। इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कंपनी एंड लोगों का बहुत ज्यादा फुटफॉल होने लगा था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम नियर अबाउट 4-5 बॉम्बार्डिंग हुई कंट्री पे एंड सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया। एंड इट वॉज डिसाइडेड कि हेमली शायद इसके बाद वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्वीन एलिजाबेथ सामने आई एंड उन्होंने इनको एक रॉयल वॉरन का टैग दिया, और उन्हें बोला नहीं आपको ये कंपनी रन करनी चाहिए, बच्चे बड़े ही खुश होते हैं, इवन दी यंगस्टर्स इवन फील एंड दी एल्डर्स ऑल्सो फील कि हाँ यार यहाँ पे वो टॉय इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क था। बट देर वर सो मेनी टेक ओवर इन दी ईयर 2000 के टाइम पे, 2003, 2012, 2015 के अराउंड, तो ये 2000 में बहुत सारे टेक ओवर हुए। तो ये टेक ओवर में
क्या समझ में आता है हमको, हम लोग किताबों में जरूर पढ़ते हैं, टेक ओवर मीन्स अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो हम उसको अपने पास ले लेते हैं, देन वी विल बिल्ड दैट कंपनी। तो टेक ओवर्स हुए, और जब कोई बार बार किसी कंपनी को टेक ओवर करता रहता है तो यार एक चीज आती कि क्या ये कंपनी वर्क नहीं कर पा रही है। तो ऐसा क्या हुआ था, अगले ही स्लाइड में आप लोग को ये चीज पता चलेगी। सो इट वॉज द ईयर 2000, जैसा मैंने आपको बताया एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, एंड वी वॉन्ट, हम ये चीज आपके साथ शेयर करेंगे। 2003 में एक बॉगर ग्रुप था जिसने 4 बिलियन INR में इसको परचेज किया था इन द ईयर 2003 में, क्योंकि इट वॉज नॉट वर्किंग दैट वेल। तो सोचा कि लेट मी इन्फ्यूज द मनी इन टू दिस एंड देन हम इसको ग्रो करेंगे। इट वॉज अ ग्रेट डील, एंड बट देर आर सम सिचुएशंस लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग, और ये पिछले एक साल में उन्हें बहुत एक्सपीरियंस किया है COVID-19 जैसा। तो ये एक उन लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बन सकता है कि यार कोविड में मेरा बिजनेस बंद हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा ही 2008 में हुआ था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और हिमली का शेयर मार्केट में भाव बहुत कम हो गया था, एंड देर वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दे डिसाइडेड कि हम अब अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करके, एंड दे लिटरली फाइल्ड द पेपर्स फॉर बैंकरप्सी। बट इन द ईयर 2009-10 लैंसन बैंक की ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो आया, एंड देन दे सेड कि वी विल टेक केयर ऑफ हेमलीज फ्रॉम नाउ, इट हैज अ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। बट हेमली ने भी ये चीज कभी छोड़ी नहीं थी कि नहीं यार लेट्स कम बैक, लेट्स बाउंस बैक, और जैसा कि हम लोग बाकी वीडियोस में देखते हैं लेट्स टेक इट फर्दर। सो इनने भी डिसाइड किया एंड इट केम 2012 में। ग्रुप लुडेंडो करके एक बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था उस टाइम पे, 5 बिलियन रुपीज में इन्होंने इसको परचेज किया, एंड देन इट वॉज अगेन फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो इन द ईयर 2015 में एक चाइनीज कंपनी विद केम एन सी बैनर नाम से, दे बॉट हेमलीज फॉर 100 मिलियन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। सो ये वाला जो साल था 2000 वाले जितने ईयर से टिल 2015, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन हेमलीज बिजनेस। बट हेमलीज कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग थी, बट क्यों लॉस मेकिंग थी, कोई इस बिजनेस को क्यों नहीं समझ पा रहा था, शायद वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग नहीं थे। बड़े बहुत ही प्यारी सी बात है इसमें जो अगले ही वीडियो के क्षण में आने वाली है, कि इंडिया के एक टॉप बिजनेसमैन ने सोचा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, इट्स अ टॉय मेकिंग कंपनी एंड वर्ल्ड में लोग इनको जानते हैं, 1760 की कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। सो मिस्टर मुकेश अंबानी, द वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही केम इन द ईयर 2015 के बाद, दे केम इन द ईयर 2017 के अराउंड आए, एंड दे क्रैक द डील विद द चाइनीज कंपनी। 620 करोड़ की डील उनने क्रैक करी, उनने बोला जितना भी हेमली का बिजनेस है आई विल रन इट, एंड जहां रिलायंस आता है वहां फेथ आता है और भरोसा आता है, एंड इट वॉज वन ऑफ द ग्रेट डील विच टुक ओवर। तो आप सोचिए इट टुक सो मेनी ईयर्स, डिकेड्स लग गए, बट हेमलीज आज की डेट में अच्छे हाथों में है, और वी होप एंड वी बिलीव कि हेमलीज जो काम कर रही है एंड द रिलायंस ग्रुप इज वर्किंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हेमलीज केस स्टडी जो हम यहाँ एक्सप्लेन करना चाहते थे। इसमें मेजर टेक अवे हमारे लिए क्या है, जो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बताना चाहता हूं, जो मेरे लिए मेजर टेक अवे यहाँ पे रहा है, दैट इज हार नहीं मानी हेमलीज ने, दे केप्ट ऑन देयर ओन, कंसिस्टेंट रहे, एंड That is the reason world's one of the richest person and India ke the most richest Mr. Mukesh Ambani ne, they cracked the deal. And so there are durust hai, but it's a bang on. So I believe aap sab log ko ye video pasand aaya hoga, toy making company Hemleys ke bare mein aap sab log ko ek chhota sa knowledge zarur mil gaya hai. And I believe aap sab log hamare videos ko aise hi pasand karte rahenge. Keep sharing, keep subscribing. And forgot not to hit the like button. And कुछ भी अगर आप लोग को लगता है कि सर हमें ये केस स्टडी बताइए आप लोग कॉमर्स से लिंक करके, सो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, आई एम एंडिंग अप दिस वीडियो, योर सी एस सिद्धांत सर, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।